जो, जो, जो लेसन फर्स्ट आता है, लेशन है हमारा, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिग्रह समीकरण है ठीक है तो रासायनिक अभिग्रह समीकरण है इस चैप्टर में वी सैल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ chemical reaction what is a chemical reaction and how many types of chemical reaction and what is a equation chemical equation theek hai etc so we shall study in this unit all the topics like a chemical reaction rasayanik abhikriya kya hote hain rasayanik abhikriya ke kitne prakar hote hain कितने types में combine हो सकती है equation रासायनिक समीकरणों को कैसे लिखा जाता है कितने types में होती हैं तो ये सारी डिटेलिंग और डिटेल्स हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ओके द फर्स्ट टॉपिक आज हम लेते हैं बेटा पहला रासायनिक अभिक्रिया व्हाट इज आर our... रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया ठीक है केमिकल रिएक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आई होप आप समझ रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया तो क्या हो सकती है बेटा रासायनिक अभिक्रिया ठीक है कैसे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये हो गया सिंपल से बेटा सिंपल नोट्स में आपको समझाता हूँ फर्स्ट फोर जब कोई दो या दो से अधिक सबस्टेंस वैन टू एंड मोर सबस्टेंस कंबाइन टूगेदर जब दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे ए प्लस बी के साथ रिएक्शन कर देगा ठीक है प्लस बेटा ऐड ये निशान बनाता है कि दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं क्रिया कर रहे हैं गिफ्स कोई नया पदार्थ बन जाता है ठीक है जब दो दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे बेटा परस्पर तो अभिक्रिया करेंगे और नए पदार्थ का क्या बन जाता है यहाँ पे मान लो ए ने बी से अभिक्रिया की और क्या बन गया बेटा नया पदार्थ एक ए भी बन जाता तो है ठीक है तो यह क्या कहलाएगी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है इट मीनस हम सीधे कह सकते हैं कि जब दोए दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का क्या कर देते हैं निर्माण करते हैं क्या कहलाते बेटा वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है फॉर जनरल एग्जाम्पल से आप समझो कि आपने क्या किया पानी लिया ठीक है उसमें क्या मिला दिया बेटा साधारण नमक नमक मिलाया क्या बन गया गया चीनी का विलियन बन गया है, है ना का का चीनी, चीनी गए गए? का विलियन बन गया तो ये सारी क्या है एक रासायनिक्रिया ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मैं अभी आपको और समझाऊंगा तो ये सारी Because, क्या है रासायनिक अभिक्रिया बिकॉज बेटा इनमें क्या होता है नया नया जो पदार्थ होता है आर द फॉर्मेटेड नया पदार्थ नया सब्सटेंस बनता है उन सबको हम क्या कहते हैं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं हैं यानी वो सभी हो सकती जिनमें किसी नए पदार्थ का क्या हो जाता है निर्माण होता है कोई केमिकल चेंज हो जाता है तो डेफिनेशन क्या बनी फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं अर्थात जब दो ये एक ये दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करें वह क्या कहलाएगी बेटा रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ओके तो ये जनरल इक्वेशन से थी जैसे आप और एग्जाम्पल देखो बेटा कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा का बताओ कार्बन डाइऑक्साइड मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीधे ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू बना देता है सल्फर सल्फर हो गया बेटा सल्फर जिसको गंधक भी कहते हैं सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाईऑक्साइड बना देता है ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देते हैं या नाइट्रोजन हाइड्रो सॉरी अमोनिया एक गैस होती है बेटा अमोनिया अमोनिया का निर्माण कर देते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होती है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होगी क्या बनाएगी जल का कर निर्माण करती है तो ये इतनी सारी क्या है रासायनिक अभिक्रिया अभी ये जनरल एग्जाम्पल है जो आपको मैंने बताया तो ये कुछ जनरल एग्जाम्पल होगी रासायनिक अभिक्रिया के तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होगी जिसमें मतलब अधिक उत्पाद अधिक अभिकारक मिल करके क्या बनाते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है ठीक है जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का कर निर्माण कर देता है ठीक है या सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का कर निर्माण करता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करता है अब जनरल वे में मैं आपको समझाता हूँ तो जनरल एग्जाम्पल से देखो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है जल के साथ क्या करता है क्रिया करता है तो इसका मतलब क्या हुआ इस अभिक्रिया में ठीक है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं बेटा मतलब अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और एक नए गुण धर्म वाला जिसमें नए गुण है वो जल है हाइड्रोजन देखो कौन सी फॉर्म में होता है बेटा गैस स्टेट में होता है हाइड्रोजन फार्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या होता है एच ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ओ ये भी गैस फॉर्म में होता है देखो दोनों गैसें थी अब ये गैस फॉर्म में दोनों अगर सपोज दैट मान लो यहाँ पे दोनों गैस फॉर्म में थे और ये कंबाइन हुई तो जल का फॉर्मूला क्या होता है एच टू जल का तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो देखो इसके प्रॉपर्टी चेंज है है कि नहीं है जनरल प्रॉपर्टी चेंज है गैस फॉर्म में थे, ये लिक्विड है तो यानी एक नए गुण धर्म वाला क्या बन गया पदार्थ बन गया है तो हम इसको कह सकते हैं सीधे सीधे क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ठीक है ऐसे बहुत सारे जनरल एग्जांपल अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यानी हम दूसरे शब्दों में सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि जब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बेटा कि रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हैं है ना रासायनिक और क्या हो बेटा जब परिवर्तन होता है केमिकल चेंज होता है रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बेटा तो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन हमें पता है कि जिसमें बेटा नए पदार्थों का क्या हो जाता है निर्माण होता है कोई नए पदार्थ बनते हैं उसको ये रासायनिक परिवर्तन कहते हैं यानी जिसमें किसी पदार्थ की आंतरिक परिवर्तन होता है इंटरनल चेंज हो जाता है और कोई नया नया फॉर्मेशन हो जाता है नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तो रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया है कहते हैं ऐसे हमारे आसपास बेटा हमने देखे होंगे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि वायु के संपर्क में आने पर बेटा लोहे पर लोहा है या चांदी आपने देखा होगा सिल्वर क्या लग जाता है उनपे जंग लग जाता है जंग लगना तो सुना है सबने जंग लगना रस्टिंग ऑफ आयरन रस्ट जंग लगना तो ये भी क्या है एक रासायनिक परिवर्तन है ठीक है भोजन का पकना डेली घर में देखा होगा आपने भोजन पकता है भोजन का पकना क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है अरे देखो नॉर्मल सी चीज़ें भाई भोजन का पकना क्या क्या डालते हैं हम नमक वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें नमक है दाल है बहुत सारा मिक्सचर होता है और वो रासायनिक अभिक्रिया करता है और तब जाकर के एक नया पदार्थ सबस्टेंस बन जाता है ठीक है चाय का बनना दूध का गर्म होना दूध से दही बनना दही से बेटा घी फैट्स वगैरह अन अदर पदार्थ बनना ये सारे क्या है रासायनिक अभिक्रिया है तो ऐसी बहुत सारी जनरल से लेकर के बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में कंटिन्यू चलती रहती हैं ठीक है थीके? जैसे हमारे भोजन का पचना भोजन का पाचन पाचन हो गया भोजन का पाचन हो गया ठीक है श्वसन क्रिया होगी श्वसन हो गया ऐसी प्रकाश संश्लेषण हो गया प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है भोजन बनाने की क्रिया वहां भी प्रकाश संश्लेषण श्वसन क्रिया भोजन श्वसन क्रिया जो प्लांट्स में होती है चाहे ह्यूमन बींग्स में हो किसी भी जीवधारी किसी भी से होती है ये सारी क्या होती है अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया को हम समझे होंगे कि किस तरह से अब इसकी पहचान कैसे करेंगे वो हम आगे समझ बेटा अब आगे हम देखेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ठीक है इसका पहचान कैसे किया जा सकता है ठीक है तो इसके पहचान करना ताकि यह पताया लगाया जा सके कि अभिक्रिया क्या हुई है बेटा संपन्न हुई है कि नहीं हुई है अब ये कैसे पता करेंगे हम कि अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है इसको पता करने के लिए कैसे हम कह सकते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया संपन्न हो ठीक है तो यदि कोई अभिक्रिया बेटा संपन्न होती है तो क्या क्या चेंज हो जाते हैं तो निम्न चीजों को हमने पहचानना होता है कुछ निम्न चीजें होती हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है संपन्न हुई है ठीक है संपन्न हुई है अब वो कैसे पता लगा सकते हैं हम देखो पहली चीज यदि अगर किसी पदार्थ की क्या हो जाती है बेटा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन होता है दैट्स इट तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है यदि दूसरा हम बोल सकते हैं रंग में परिवर्तन हुआ है रंग में क्या हो परिवर्तन हो रंग में परिवर्तन हो तीसरा हम बोल सकते हैं बेटा यदि अगर क्या हो गैसों का क्या हो कहीं से निष्कासन होता है निष्कासन होता है ताप में परिवर्तन हो जाता है ताप में क्या हो परिवर्तन हो ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ताप में परिवर्तन हो ठीक है या इसके अलावा बेटा जैसे ताप में परिवर्तन हो जाए या ताप में परिवर्तन हो या किसी में क्या हो जाए बेटा किसी की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाए भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था क्या हो जाए परिवर्तित हो जाए वैसे ही पदार्थ की अवस्था वही चीजें हो रही हैं परिवर्तित हो जाए अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए यानी कोई सपोज दैट लिक्विड फॉर्म में लिक्विड से किस में चले जाए बेटा गैस फॉर्म में आ जाए ठीक है जैसे एग्जाम्पल मतलब पानी का किस में चेंज हो जाना बेटा बर्फ में चेंज हो जाना ये भी क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया होगी रंग परिवर्तन हो जाना कलर चेंज हो जाना कलर देखे होंगे ऐसे बहुत सारे सबिस्टेंस होते हैं है ना कि जिनका रंग परिवर्तन हो जाता है कलर चेंज हो जाता है आप क्या करो एक कलरफुल कंपाउंड ले लो पत्ती ले ली हमने पत्ती ले ली कैसा कलर की होती है ग्रीन होती है कपड़े ले लो कोई भी उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा वो रंग से रंगहीन हो जाता है सीधे रंगहीन हो जाता है ये भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ठीक है जंग लगना देखा होगा आपने जंग में बेटा कैसे कलर के होते हैं आपके लोहा कैसे कलर का होता है और जब जंग लगता है तो उस पर एक ब्राउन रंग की परत जम जाती है रस्टिंग ऑफ आयरन जिसको कहते हैं ठीक है गैसों का निष्कासन होना श्वसन क्रिया हो रही है सी को हम क्या हैं? करते हैं बेटा रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को गेन करते हैं ऐसी प्लांट में सी ओ टू गेन होती है ऑक्सीजन रिलीज होती है तो गैसों का निष्कासन हो रहा है ताप परिवर्तन हो जाता है चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज हो जाता है आपने देखा होगा बॉडी का भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है ऐसी बहुत सारी सबिस्टेंस होता है जिनका टेम्परेचर ऑलरेडी चेंज हो जाता है पानी पानी को गर्म करो पहले पानी ठंडा था पानी को धीरे धीरे गर्म करेंगे टेम्परेचर गेन किया उसने पानी और ज़्यादा गर्म हो गया हुआ नहीं हुआ तो ये भी क्या है रासायनिक अभिक्रिया हो गई ठीक है ऐसे गैस से द्रव द्रव से तो ऐसे इनसे हम पहचान सकते हैं कि ऑलरेडी क्या हो रही है बेटा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ठीक है अब इन रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से लिखा जाता है कैसे पहचानते रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हमने कर ली ओके तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए बहुत सारे कंटेनमेंट होते हैं जिनको हमें पहचान अब पर्टिकुलर हम आए बेटा तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं दो भाग होते हैं अब कैसे हम इसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की कथन जो स्टेटमेंट होता है बेटा परंतु इसके लिखने के इसके जो तरीके होते हैं वो निम्न कुछ होंगे अलग अलग तरीक़ों से इन्हें लिखा जाता है कैसे लिखते हैं जैसे हमने क्या बोला अभी कि पानी नमक में हम क्या मिला देते हैं बेटा नमक को पानी में मिला देते हैं नमक है अब प्लस क्या कर देते हैं उसको पानी में मिला देते हैं पानी में मिला देते हैं ठीक है तो क्या बनता है बेटा नमक का नमक का क्या बनेगा विलियन बन जाता है मान लो आप नमक का विलियन लिख दिए मैंने ठीक है नमक का विलियन बन जाता है तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है अब इसको लिखना किस तरह से इसको तरीके से कैसे लिखेंगे कि नमक हमने लिखा प्लस पानी तो जो पदार्थ बेटा अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके बीच में एक साइन आता है प्लस का एड प्लस का साइन लगाते हैं और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है उससे पहले एक क्या लगाना होता है तीर का निशान तो तीर का निशान ये शो करेगा यहाँ पे कि कोई नया पदार्थ बनेगा आगे गिफ्स जिसको कहते हैं निशान ये शो करेगा कि आगे क्या बनता है एक नया पदार्थ बनता है ठीक है तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं तो ये नया पदार्थ बनने वाला पदार्थ है और ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो पदार्थ हैं ठीक है थीके? जैसे मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है बेटा जल का निर्माण करता है तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसलिए इनके बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस साइन आएगा ये नया पदार्थ आके बनेगा तो इससे पहले कौन सा निशान लगेगा ये तीर का निशान लगेगा ठीक है तो इस प्रकार से बेटा ये इनके लिखने के क्या होते हैं तरीके अब रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं बेटा दो भाग होते हैं ठीक है रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं दो भाग होते हैं एक होता है रिएक्टेंट अभिकारक एक रिएक्टेंट हो गया बेटा और एक होता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी उत्पाद अभी बताया हमने तो अभिकारक कौन से होते हैं उत्पाद कौन से होते हैं रासायनिक है अभिक्रिया के दो भाग होगी पहला भाग होता है बेटा ये वाला और दूसरा भाग होता है ये वाला जो प्रथम भाग होता है उसे हम कहते हैं अभिकारक जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद ठीक है यानी सपोज दैट ए प्लस बी कोई दो पदार्थ है इन्होंने अभिक्रिया करके क्या कर दिया ए बी एक पदार्थ बनाया तो नए पदार्थ को हम जो बनने वाला नया पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं बेटा उन्हें क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं ठीक है जैसे यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है रिएक्टेंट होगी और बनने वाला पदार्थ जल था जल क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया नमक और पानी क्या है बेटा रिएक्टेंट है और नमक का विलयन क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया ठीक है इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो जो चीजें भाग ले रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्लोरोफिल होता है क्लोरोफ सनलाइट होता है ये सारे रिएक्टेंट हो गए बनने वाला पदार्थ क्या है कि लीव्स में क्या बनता है बेटा यहाँ पे एक स्टार्च के रूप में क्या होता है भोजन का निर्माण होता है जिसे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट कहेंगे तो ऐसे इन्हें हम क्या कहते हैं अभिकार का उत्पाद कहते हैं तो व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या होंगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया तो में क्या करते हैं भाग लेते हैं उन्हें तो क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं ठीक है उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और किसी रासायनिक अभिक्रिया की फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया ये कंप्लीट हुई है उसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को तो हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं ये जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है ठीक है और इन संपूर्ण पूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और जब इन बेटा अभिकारक उत्पादों को क्या करते हैं यदि अगर किसी संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर देते हैं कि फॉर्मूले द्वारा तो क्या उसे हम क्या कहेंगे रासायनिक समीकरण भी कहते हैं तो फिलहाल आज प्रोडक्ट इनको पार्ट तक देखेंगे ठीक है ओके थैंक यू तो हाँ तो हमने पढ़ा होगा बेटा फिजिकल चेंज है ना फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज और दूसरा होता तो में में है आप क्लासेज में पढ़ चुके केमिकल चेंज जब भी किसी पदार्थ में बेटा रासायनिक परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं कि, कि किसी पदार्थ के बहुत सारे गुणों में कोई भी सबिस्टेंस होगा बेटा पदार्थ होगा कि उसके बहुत सारे गुणों में जब क्या हो जाता है परिवर्तन होता है आंतरिक परिवर्तन जिसको कहते हैं आंतरिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है बेटा जैसे उसकी स्टेट चेंज होगी इट मीन्स मतलब वो लिक्विड से किस में आ गया गैस में आ गया गैस से बेटा लिक्विड में आ गया ठीक है या सॉलिड से लिक्विड में आ गया जैसे बर्फ़ का पानी और पानी का बर्फ में बनना ठीक है तो ये दोनों अनदर चेंजेज हैं जब भोजन का बनना ठीक है तो बहुत सारे ऐसे चेंजेज बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो जाते हैं तो किसी भी पदार्थ की जब भौतिक परिवर्तन हो जाती है उसका रंग कलर चेंज हो जाता है कलर चेंज होता है रंग परिवर्तन हो जाता है इसके अलावा बेटा जैसे गैसों गैसों का निष्कासन मतलब तो रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं गेन करते हैं ऑक्सीजन को गेन करते हैं तो गैसों का निष्कासन करना भोजन का पाचन होना प्रकाश संश्लेषण होना फोटोसिंथेसिस होना होना सारी क्या है बेटा केमिकल चेंज है केमिकल चेंज इट मीन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं ठीक है थीके? तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं तो इनसे हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ये सारी रासायनिक तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे कि जब क्या क्या चीजें चेंज होंगी फर्स्ट याद आपने रखना बेटा कि क्या क्या चेंजेस से हमें पता चलेगा फर्स्ट पहला यदि किसी पदार्थ की क्या होती है बेटा अवस्था परिवर्तित होती है स्टेट चेंज हो जाती है अवस्था परिवर्तित ठीक है अवस्था परिवर्तित होती है पहली चीज इट मीन्स क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ठीक है दूसरा बेटा यदि अगर किसी का क्या हो रहा है रंग परिवर्तन हो रहा है कलर चेंज हो रहा है वो भी क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया होती है यदि बेटा कहीं गैसों का निष्कासन हो रहा है गैस रिलीज हो रही हो ठीक है जैसे अभी बताया मैंने रेस्पिरेशन क्रिया में सी को तो रिलीज करना ऑक्सीजन को गेन करना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेटा ऑक्सीजन रिलीज होती है सीओ तो गेन होती है प्लांट में ठीक है तो ये भी गैसों का निष्कासन होता है इसके अलावा बेटा टेम्परेचर चेंज हो जाए फोर्थ टेम्परेचर चेंज ताप परिवर्तन जिसको कहेंगे यदि अगर ताप परिवर्तन हो रहा है तो वो भी क्या हो रही है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किस तरह से जैसे हम देखो पानी पानी गर्म गर्म कर रहे हैं किया बेटा पहले ठंडा था धीरे धीरे गर्म किया पानी प्रॉपर्टी चेंज होगी गई टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या हो रही है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है हो रही है नहीं हो रही है इसके अलावा बेटा भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन जैसे बेटा गैस से क्या होना सॉरी लिक्विड से गैस में गैस से लिक्विड में सॉलिड से ठीक है सॉलिड से लिक्विड में आना जैसे सॉलिड से बेटा यदि अगर कोई किस में आ जाता है चेंज हो जाता है किस में लिक्विड में लिक्विड से यदि अगर किस में चेंज हो जाता है सॉलिड में ठीक है इनके एग्जाम्पल भी बता देते हैं जैसे बेटा लिक्विड से से सॉलिड में आना मतलब पानी बर्फ बन जाती है बर्फ से पानी चेंज हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टेट तो चेंज हो रही है ना तो ये भी एक केमिकल चेंज में आएगा इट मीन रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है इसके अंदर ठीक है तो ये सारे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन अगेन बेटा आपको मैंने आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ

ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है नमक पानी में खोल दो पानी का विलयन बन जाएगा सॉरी जा नमक का विलयन बन जाएगा ठीक है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा हाइड्रोजन का फॉर्मूला कोई बताएगा बेटा हाइड्रोजन का फॉर्मूला बताओ जितने जुड़े हैं कोई भी एच एच क्या होता है इसका फॉर्मूला नहीं इसका सिंबल होता है ना फॉर्मूला क्या होता है बेटा एच टू पता है ना सबको नो yes no. H2. हाँ, H2. और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बेटा ओ टू है ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेटा जब रिएक्शन करते हैं या आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा बताओ अपने आप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएंगे एच टू ओ एच टू वट इज यू बताओ बताओ एच टू किसका फॉर्मूला है आवाज आ रही है बेटा सबको एच टू किसका फॉर्मूला है पानी का है ना वाटर बन जाता है तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करते हैं बेटा तो, तो पानी यानी जल का निर्माण हो जाता है तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है तो ये कुछ जनरल इक्वेशन से हम समझते हैं अब इसमें एक चीज और पार्ट क्या समझना है बेटा हमने रिएक्टेंट अभिकारक और प्रोडक्ट को समझना है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहले ये हटा देता हूँ मैं जरा यहाँ से ये देखो बेटा ये एक केमिकल रिएक्शन है ओके ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैंने दो चीजें यहाँ पे बता रखी हैं एक है बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ये ए प्लस बी गिव्स ए बी तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं एक भाग होता है बेटा ये वाला और एक भाग होता है ये वाला ए बी एक ए बी होता है एक ए बी है ए बी का मतलब होता है बेटा ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक रिएक्टेंट ठीक है अभिकारक लिख दिया मैंने थोड़ा दिख पा रहा होगा आपको अभिकारक कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं और जो पदार्थ बेटा नए बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं ठीक है प्रोडक्ट प्रोडक्ट इट्स कॉल्ड अ उसे उत्पाद कहते हैं हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। दूसरी चीज बेटा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या किसका साइन आएगा प्लस प्लस का साइन आएगा जो साइन शो करेगा बेटा इसमें कि दो पदार्थ यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं क्रिया कर रहे हैं यदि अगर एक पदार्थ और मिला दें तो फिर प्लस करना पड़ेगा हमें और सी एक पदार्थ और लिखना पड़ेगा कि ये पदार्थ भी इसके साथ ऐड कर दिया तो यहाँ पे प्लस का साइन क्या शो कर रहे हैं इतने पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं ठीक है और नया पदार्थ जब बनता है तो उसे किससे दिखाते हैं नए पदार्थ को यहाँ पे बेटा एक तीर का निशान तीर का निशान का मतलब होगा कि एक नया पदार्थ आगे बनेगा और तीर का निशान क्या शो करेगा बेटा नया पदार्थ कौन सा बन रहा है ए बी जिसको हम क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं ओके okay. क्लियर हुआ समझ में आया बेटा यहाँ पे समझ में आया आवाज तेज नहीं आ रही है ओके okay. ठीक है अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा हम यहाँ पे हैं अभिकारक की और उत्पाद की डेफिनेशन देख लेते हैं ओके okay. तो अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं वट इज अ रिएक्टेंट और वट इज अ प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक को थोड़ा हम देखेंगे तो रिएक्टेंट देखते हैं बेटा फर्स्ट देखते हैं हम अभिकारक ठीक है अभिकारक मैंने शॉर्ट में लिखा है आप समझ जाना ठीक है अभिकारक ठीक है अभिकारक किसे कहते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं बेटा अभिकारक कहते हैं ठीक है जैसे जनरल हमने बोला था कि ए प्लस बी ये किसी क्रिया में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा अभिकारक कहलाएंगे ठीक है या जनरल हमने जब बोला कि ए की जगह मैंने क्या ले लिया यहाँ पे पानी लिया वाटर ले लिया और बी की जगह क्या ले लिया बेटा नमक ले लिया एन ठीक है साधारण नमक सिंपल सॉल्ट ले लिया तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे ठीक है नमक का विलयन बना देते हैं तो ये दोनों यहाँ पे वाटर और नमक ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा रिएक्टेंट कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं ठीक है इसके अलावा जैसे भोजन का बनना घर में आपने भोजन देखें होंगे बेटा नया पदार्थ बन जाता है दाल बन रही है चावल बन रहे हैं नए पदार्थ बन जाते हैं चाय बन रही है कितने सारे सब उनमें डालने पड़ते हैं कितने सारे पदार्थ क्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है

ठीक है भोजन का पाचन हो रहा है श्वसन क्रिया हो रही है प्रकाश संश्लेषण हो रही है ये सारी अभिक्रिया के भाग है और अभिकारक कौन से होगी जो किसी अभिक्रिया में क्या करते हैं बेटा भाग लेते हो और जब कोई नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं ओके तो आया बेटा यहाँ पे पार्ट में समझ में कोई पार्ट नहीं आया है तो बताओ मुझे फिर अगेन मैं नहीं तो इन्हें रिपीट कर देता हूं जितने भी जुड़े हैं बताओ आप लोग ये दो चार चीजें समझ में आई बेटा रासायनिक अभिक्रिया भी